नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन ट्यूटोरियल में। और आज हम सीखेंगे स्कोप्स के बारे में। स्कोप्स के बारे में लोकल स्कोप, फंक्शन विद इन फंक्शन, विद इन फंक्शन जो पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स है, ये जो होते हैं फंक्शन के अंदर वो लोकल स्कोप में होते हैं। और जो फंक्शन के बाहर के वेरिएबल होते हैं उन्हें ग्लोबल स्कोप में होना कहा जाता है। तो ग्लोबल स्कोप आउटसाइड फंक्शंस पैरामीटर वेरिएबल्स, राइट। फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहा जाता है और फंक्शंस के बाहर के वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है। तो ये फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे, पैरामीटर होंगे, उन्हें हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। और फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट। तो अब इसको और क्लियर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल लेता हूं मैं एक्स, सपोज ये टेस्ट। फंक्शन डिफाइन करते हैं, सपोज फंक वन, और इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं हेलो, इसको पास करते हैं। अभी कोड हम नहीं लिखेंगे इसलिए पास यूज कर रहे हैं। और एक फंक्शन यूज करते हैं, सपोज सी इक्वल टू गुड मॉर्निंग, राइट। तो ये कंप्लीट जो ये प्रोग्राम है, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। इसमें दो फंक्शंस है, कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, डिपेंड करता है आपको आपके प्रोग्राम के ऊपर कि आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके हिसाब से फंक्शंस होंगे। ये हमारा मेन मेन फाइल है, और इसमें जो ये वेरिएबल है ये फंक्शन के बाहर है, ये वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर है। फंक वन फंक्शन है और इसके अंदर ये वाई वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल जो होगा ये लोकल वेरिएबल होगा। ये फंक टू फंक्शन है, उसके अंदर ये वेरिएबल डिफाइन किया गया है, तो ये भी लोकल वेरिएबल होगा। और ये वेरिएबल जो है एक्स इक्वल टू टेस्ट, इसको हमने फंक्शंस के बाहर असाइन किया है, तो ये जो है ये होगा ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम कुछ कोड लिखते हैं। एक वेरिएबल असाइन करते हैं लॉग इन से वेलकम बैक, और फिर एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज सम नम वन नम टू। ये दो पैरामीटर है इस फंक्शन के, फोर स्पेसेस इंडेंटेशन है। फंक्शन के अंदर जो भी कोड होंगे फोर स्पेसेस में होंगे। फिर हम इसको रिटर्न करते हैं नम वन प्लस नम टू, राइट। फिर फंक्शन के बाहर आते हैं, बाहर आने के लिए बैक स्पेस। फंक्शन के बाहर आके हम प्रिंट करते हैं सम और आर्गुमेंट पास करते हैं नम वन नम टू, जो पैरामीटर है उनके लिए हम आर्गुमेंट पास करते हैं, सपोज 9 एंड 7।
तो ये आप अगर जो मैंने अभी बताया आपको कि लोकल स्कोप में जो भी पैरामीटर्स और वेरिएबल होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ये पैरामीटर्स जो है ये भी लोकल पैरामीटर्स है, लोकल वेरिएबल्स है, राइट। तो अब इसको हम रन करते हैं। लाइन नंबर सेवन, एरर एरर क्या आ रहा है? लाइन नंबर सेवन डेफिनेशन, सॉरी मैं फंक्शन के बाद कोलन देना होता है, कोलन देना भूल गया। तो इसको रन करते हैं तो सही आ रहा है रिजल्ट, 16। अब यहाँ पे एक बात जो समझने की बात है, ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये बाहर है, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो और ये दोनों वेरिएबल ये हम कमेंट यूज करते हैं तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, लोकल वेरिएबल। अब इस यहां पे ये नोट करने की जरूरत है कि जो लोकल वेरिएबल्स होती है वो सिर्फ विद इन दैट फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करते। आप इस तरह से समझ सकते हो कि फंक्शन रन करने के बाद, जैसे हम यहाँ पे फंक्शन रन कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे, फंक्शन रन कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन रन करते ही वो दोनों वेरिएबल्स रिटर्न 9 चला जाएगा नम वन में, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, 7 चला जाएगा नम टू में, और रिटर्न में क्या करेगा, 9 प्लस 7 16। और जैसे वो रिटर्न करेगा, रिटर्न किसको करेगा, जहां से हम कॉल कर रहे हैं इसको, इसीलिए प्रिंट आ जाता है, प्रिंट 16। रिटर्न क्या करेगा, 16 रिटर्न करेगा, और 16 रिटर्न करने के बाद प्रिंट 16 हो जाएगा, राइट। तो रिटर्न करने के बाद ये जो वेरिएबल्स क्रिएट हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, वहीं पे खत्म हो जाएंगे, वो बाहर, इसलिए इसे लोकल स्कोप में रहना कहा जाता है कि ये लोकल स्कोप में रहेंगे, ये ग्लोबल स्कोप में नहीं आएंगे। इसको टेस्ट करने के लिए हम प्रिंट करते हैं, सपोज नम वन, हमें पता है कि नम वन नाइन नाइन है, नम वन का वैल्यू तो हमें 9 आना चाहिए। हम इसको रन करते हैं लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, लाइन नंबर 11 में, लाइन नंबर में 11 में है नेम एरर। नेम एरर कब आता है, जब वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, नेम नम वन इज नॉट डिफाइंड, मतलब नम वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेट मीन्स नम वन इस फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, इसके बाहर नहीं आ सकता, उसका लाइफ इस फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन में रिटर्न करते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज डेफ डेफिनेशन फंक्शन नेम ग्रीटिंग ले लेते हैं, और सपोज मैसेज वन इज सपोज गुड मॉर्निंग, मैसेज टू इज सपोज गुड इवनिंग, और हम इसे रिटर्न करते हैं, रिटर्न मैसेज वन मैसेज टू। तो फंक्शन मैंने जैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, फंक्शन को समझने के लिए एक मशीन की तरह समझे जिसमें इनपुट और आउटपुट होता है, तो या इनपुट रहेगा या आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे हम बाहर से कोई पैरामीटर इनपुट नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे ब्लैंक है, कोई पैरामीटर यहाँ हम इनपुट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ वेरिएबल्स जो है वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हमने, वेरिएबल्स असाइन कर दिए, और उस वेरिएबल को, दोनों वेरिएबल्स को ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन, राइट। और हम फंक्शन के बाहर आएंगे बैकस्पेस और फिर फंक्शन को कॉल करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फंक्शन की। यहाँ पर हम ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है इस मेन फाइल में, लेकिन हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हमने कमेंट आउट कर दिया। तो जब तक किसी फंक्शन को कॉल ना किया जाए तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। जब भी आपको यूज करना हो फंक्शन को तो आपको फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस देकर उसको कॉल करना है। अगर इनपुट पास करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है तो आर्ग्यूमेंट भी डालना है। खैर, अब इस ग्रीटिंग फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल्स ही इनपुट का काम करेंगे और ये रिटर्न कर रही है मैसेज वन मैसेज टू। तो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ले लेंगे और इसे रन करेंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाता है गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, मैसेज वन मैसेज टू वेरिएबल से, राइट। अब अगर हम मैसेज वन को प्रिंट करते हैं, सपोज मैसेज टू को प्रिंट करते हैं, कहाँ, फंक्शन के बाहर, और ये वेरिएबल कहाँ क्रिएट किया गया, फंक्शन के अंदर। ये कौन से वेरिएबल है, ये है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, तो एरर मैसेज आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, रिटर्न वैल्यू देने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एरर है अगेन, नेम एरर दैट मींस कि मैसेज टू इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैसेज टू कोई वेरिएबल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करते हैं, सपोज रिटर्न नहीं करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट मैसेज टू, और हमें अभी प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम फंक्शन के अंदर प्रिंट यूज कर रहे हैं और फंक्शन के बाहर से हम फंक्शन को कॉल करेंगे। करते हैं और ये क्या कर रहा है कि ये शो कर रहा है गुड इवनिंग, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल है और इनको प्रिंट फंक्शन भी हमने फंक्शन के अंदर ही किया, ये फंक्शन का कोड ब्लॉक है, बाहर नहीं किया। अगर बाहर करते हैं और रन करते हैं तो एरर आएगा, राइट। तो ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये मैं सारा रिमूव कर देता हूँ। तो जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो है कोड इन द ग्लोबल स्कोप कैन नॉट यूज एनी लोकल वेरिएबल, जो अभी हमने वेरिएबल और वेरिएबल्स, तो जो हमने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो इसे और एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक फंक्शन लेता हूँ, तो उस फंक्शन नेम फूड और वेरिएबल लेता हूँ बनाना इक्वल टू से दस, ऐसे एक इंटीजर वैल्यू हमने असाइन किया। अब फंक्शन के बाहर आएंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे, रन करेंगे, रन हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर मैसेज नहीं, आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कहीं प्रिंट यूज नहीं किया। या तो हम यहां कर सकते थे प्रिंट बनाना और रन कर सकते थे, तो ये आउटपुट जो है इसका वैल्यू आएगा, लेकिन फंक्शन के बाहर अगर हम इसे यूज करते तो ये
एरर मैसेज आएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कोड इन द लोकल स्कोप, ये जो कोड है ये ग्लोबल स्कोप में है, दिस इज इन द ग्लोबल स्कोप, ये कोड जो है ये ग्लोबल स्कोप में है, फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है। और ये जो कोड है ये लोकल स्कोप के अंदर है, ये फंक्शन के अंदर है, इंडेंटेशन के अंदर चार स्पेसेस हमने यूज किया है, तो ये लोकल स्कोप के अंदर है, और ये जो है ग्लोबल स्कोप में है। अगर हम ये प्रिंट अप ग्लोबल स्कोप के अंदर आ गया, तो रूल नंबर वन क्या है, कोड इन द ग्लोबल स्कोप कैन नॉट यूज एनी लोकल वेरिएबल, राइट। तो लोकल वेरिएबल है बनाना इज ए लोकल वेरिएबल, और ये हम ग्लोबल स्कोप में इसको यूज नहीं कर सकते, राइट। रूल नंबर टू है लोकल स्कोप कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, कि इसका क्या मतलब हुआ, चलिए एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं टेस्ट, और टेस्ट क्या करेगा, फंक्शन प्रिंट करेगा, राइट। प्रिंट किसको करेगा, सपोज पंपकिन, पंपकिन को प्रिंट करेगा, पंपकिन वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, हम फंक्शन से बाहर आते हैं बैकस्पेस से और पंपकिन वेरिएबल असाइन करते हैं, इसको असाइन करते हैं 50। तो ये वेरिएबल जैसा आप समझ रहे हैं, अभी आप बता सकते हैं कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। और यहां जो फंक्शन है यहां लोकल वेरिएबल कोई भी नहीं है, हमने कोई लोकल वेरिएबल नहीं लिया है, और इसे टेस्ट फंक्शन को रन करते हैं और प्रिंट करते हैं पंपकिन, राइट। अगर नहीं भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन प्रिंट कर रहा है, तो हमने सिर्फ फंक्शन को रन करना है, इसको रन करते हैं और ये वैल्यू दिखा रहा है कितना 50। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर तो वो ग्लोबल वेरिएबल यूज कर सकता है, बाहर के चीज को वो अंदर यूज कर सकता है, लेकिन उसके अंदर के चीज को बाहर कहीं यूज नहीं हो सकता है। दैट मींस ग्लोबल स्कोप में ग्लोबल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर, दैट इज ग्लोबल स्कोप में यूज नहीं हो सकता है। अब हम प्रिंट करते हैं, सपोज प्रिंट पंपकिन, तो क्या होगा, तो ये टू टाइम्स प्रिंट कर रहा है पंपकिन का वैल्यू। ये जो पहला फर्स्ट प्रिंट है वो क्या है, वो है ये प्रिंट, राइट। और जो दूसरा है वो है ग्लोबल का डायरेक्टली प्रिंट। हम इसे अगर रन नहीं भी करते तो भी ये प्रिंट करेगा, क्योंकि ये अब ये फंक्शन रन नहीं हो रहा, सीधा सीधा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक वेरिएबल लेते हैं नम थ्री, सपोज नम थ्री इक्वल टू 5, ओके, और फंक्शन लेते हैं टेस्ट, नम वन एक वेरिएबल ले लेते हैं नम वन इक्वल टू 10, और नम टू एक और वेरिएबल ले लेते हैं नम टू इक्वल टू 20, और हम रिटर्न करेंगे नम
वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री, तो ये ऐड करेंगे। अब आप देखिए नम वन ठीक है लोकल स्कोप में है, नम टू लोकल स्कोप में है, नम थ्री लोकल स्कोप में नहीं है। तो यहाँ पे आप आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये समझना है कि जो पाइथन है उसका कन्वेंशन क्या है। पहले वो वेरिएबल्स को लोकल स्कोप में ढूंढेगा, फर्स्ट लोकल स्कोप। लोकल स्कोप में अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो वो ग्लोबल स्कोप में ढूंढेगा। ग्लोबल में अगर मिल गया तो उसको यूज कर लेगा, क्योंकि बाहर का चीज अंदर यूज हो सकता है, राइट। तो अब इसको हम फंक्शन के बाहर आते हैं, प्रिंट टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, और क्योंकि हमें डिस्प्ले भी करना है तो प्रिंट फंक्शन के अंदर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये 20 प्लस 10 30 और प्लस 5 35, तो ग्लोबल वेरिएबल को यूज। तो रूल नंबर टू है लोकल स्कोप कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। रूल नंबर थ्री है कोड इन अ फंक्शन, फंक्शंस लोकल स्कोप कैन नॉट यूज वेरिएबल्स इन एनी अदर लोकल स्कोप, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, कोड इन अ फंक्शंस लोकल स्कोप, एक फंक्शन है, चलिए इसको एग्जांपल से ही करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक वेरिएबल लेते हैं नम थ्री, इसका वैल्यू दे देते हैं 6। ये वेरिएबल क्या है, राइट, ये वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल, करेक्ट। फिर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं टेस्ट, और उसके अंदर हम लेते हैं वेरिएबल नम वन इक्वल टू 40। ये क्या वेरिएबल है फंक्शन के अंदर है तो, राइट, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। और एक वेरिएबल असाइन करते हैं नम टू इक्वल टू 60, ये भी लोकल वेरिएबल है क्योंकि फंक्शन के अंदर है। अब ये फंक्शन आउटपुट क्या करेगा, रिटर्न नम वन प्लस नम टू, ये फंक्शन आउटपुट करेगा नम वन प्लस नम टू, राइट। तो एक और फंक्शन ले लेते हैं, सपोज टेस्ट वन, सेकेंड फंक्शन हमने लिया है, सेकेंड फंक्शन में हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि वेरिएबल जो फर्स्ट फंक्शन में है उस उन दोनों वेरिएबल्स को लेके यहाँ हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, और फिर आउटपुट रिटर्न करेंगे रिटर्न प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, राइट। ओके, तो हम फंक्शन कॉल करते हैं टेस्ट वन, टेस्ट वन को कॉल करते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट भी आउटपुट करना है, डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट, राइट, और इसे रन करते हैं। तो ये एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 में यहाँ पे एरर है, लाइन नंबर 14 में यहाँ पे एरर है, राइट। तो ये क्या बता रहा है, नेम नम वन इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स नम वन वेरिएबल है ही नहीं, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये काफी लॉजिकल भी है क्योंकि
पहला जो हमने रूल बताया था पाइथन का कि फंक्शन के अंदर जब रिटर्न करने के बाद वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप दूसरे फंक्शन में उन वेरिएबल्स को कैसे यूज कर लोगे। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो लीगल नहीं है, पाइथन इसे अलाउ नहीं करता कि एक एक फंक्शन के वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में हम यूज कर ले, वो नहीं होगा। लोकल मीन्स लोकल उसी तक सीमित रहेगा, उसके बाहर वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, राइट। तो रूल नंबर 3 यही कहता है कि कोड इन अ फंक्शंस लोकल स्कोप, एक फंक्शन के लोकल स्कोप में जो कोड है ये कैन नॉट यूज वेरिएबल्स इन एनी अदर स्कोप, एनी अदर लोकल स्कोप। तो यहाँ पे ये इसका लोकल स्कोप हो गया और यहाँ पे हम इसके लोकल स्कोप के कोड्स को हम यहाँ यूज करना चाह रहे हैं जो नहीं हो सकता, राइट। तो ये वेरिएबल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, दिस इज योर रूल नंबर 3। एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, ये एक मैंने बना रखा है। इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन है फूड और इसमें वेरिएबल है मैंगो जिसका वैल्यू 101 दे रखा है और इसको प्रिंट करना, ये दो लाइन ही है इस फंक्शन के। और दूसरा फंक्शन है कुक और इसके भी दो लाइन है, इसमें दो वेरिएबल हमने असाइन कर रखा है, प्रिंजल 85 और मैंगो 40। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है मैंगो दोनों फंक्शंस में यूज हो रहे हैं जबकि दोनों के वैल्यूज अलग अलग है। अब हम फूड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर कॉल जब तक हम नहीं करते फंक्शन को तब तक वो रन नहीं होगा और रन नहीं होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ अगर फूड को कॉल करते तो सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 101 मैंगो वेरिएबल का वैल्यू है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहां पर हम कुक फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब पहले फंक्शन के अंदर ही दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। तो पहला लाइन क्या हो गया, मैंगो को 101 असाइन हो गया, ठीक है। फिर कुक रन करते हैं, डेट मीन्स दो लाइन यहां पर रन होंगे, इसको कॉल करते ही एक हो जाएगा प्रिंजल वेरिएबल क्रिएट होगा और उसका वैल्यू 85 असाइन होगा, फिर दूसरा मैंगो वेरिएबल क्रिएट होगा और 40 वैल्यू असाइन होगा। उससे पहले मैंगो वेरिएबल ऑलरेडी है और उसका वैल्यू भी अलग है। चलिए अब इसको, अब हम फूड फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको रन करते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है मैंगो 40, ये वैल्यू यहां पे ये वैल्यू नहीं आ रहा, वैल्यू वही आ रहा है जो पहले था, डेट मीन्स ये ओवरराइट नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो, चलिए इसको मैं कमेंट करता हूं, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और सपोज मैं लिखता हूं मैंगो इक्वल टू 101, प्रिंट करता हूं, प्रिंट मैंगो और इसे रन करता हूं तो ये 101 वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। फिर अब मैं दोबारा इसको करता हूं मैंगो इक्वल टू 40 और अब रन करता हूं इसको तो ये वैल्यू ओवरराइट हो गया, मैंगो 101 था अब ये ओवरराइट हो गया और ये वैल्यू आ गया यहां पे 40, राइट। लेकिन ये यहां पे ये नहीं हो रहा, यहां पे ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल जो है एक फंक्शन में जो है वो ही वेरिएबल हम दूसरे फंक्शन में नहीं यूज कर सकते, सेम वेरिएबल नेम
अलग अलग स्कोप्स में, लोकल स्कोप्स में यूज नहीं कर सकते। ये हो गया लोकल स्कोप ऑफ फूड फंक्शन, ये हो गया लोकल स्कोप ऑफ कुक फंक्शन, और दोनों अलग अलग लोकल स्कोप्स में हम सेम वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 क्या था, कोड इन अ फंक्शंस लोकल स्कोप कैन नॉट यूज वेरिएबल्स इन एनी अदर लोकल स्कोप, कहीं और हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये रन नहीं होगा, राइट। चलिए तो फिर हम अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और रूल नंबर 4 लिखते हैं। रूल नंबर 4 है सेम नेम लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इज लीगल बट अवॉइड टू रूल आउट कंफ्यूजन, ठीक है, टू रूल आउट कंफ्यूजन, ओके। तो अगर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल सेम नेम हो सकता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लीगल है, अलाउड है, लेकिन आप इसको अवॉइड करें तो अच्छा, क्योंकि ये आपको ज्यादा कंफ्यूज ही करेगा, ये आपको हेल्प नहीं करेगा, ये कंफ्यूज करेगा, फिर भी ये अलाउड है। तो मैं इसका भी एग्जांपल से दिखा देता हूँ। सपोज एक वेरिएबल ले लिया num1, वैल्यू असाइन कर दिया 1, दूसरा वेरिएबल ले लिया 2 और वैल्यू असाइन कर दिया इसमें 4 और इसका सम कर लिया, सम num1 प्लस num2, सिंपल, ठीक है। ये सारा तीनों कोड जो हो रहा है वो ग्लोबल स्कोप में हो रहा है, राइट, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो ये तीनों लाइन ऑफ कोड कहाँ पे है, ये ग्लोबल स्कोप में है, राइट। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, सपोज टेस्ट, राइट, और यहां पे हम सेम वेरिएबल नेम लेंगे और उसे सपोज 6 और num2 ले लेंगे, सेम वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं ग्लोबल में भी और लोकल में भी, इसे 10 ले लेते हैं, राइट, और इसका वैल्यू रिटर्न करेंगे हम सम, सेम num1 प्लस num2, दैट मीन num1 प्लस 16 रिटर्न करेंगे हम इस फंक्शन से, राइट। तो अब हम करते हैं टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर नहीं है, तो हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, और फिर हम ग्लोबल स्कोप से जो सम हुआ उसे भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हो गया फंक्शन कॉल कर रहे, और सेकंड लाइन हो गया ग्लोबल स्कोप से ये जो एक्सप्रेशन है सम को कॉल कर रहे हैं। अभी रन करेंगे हम इसको, और आप देख रहे हैं जो फंक्शन है, फंक्शन का रिटर्न 16 आ रहा है, और जो ग्लोबल स्पेस में वेरिएबल है उनका सम 1 प्लस 4 5 आ रहा है। दैट मींस सेम नेम अलाउड है लोकल में और ग्लोबल में, सेम नेम अलाउड है, बट आप इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम में कंफ्यूजन फैलाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं फूड, और एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल ले लेते हैं और इसका वैल्यू असाइन करते हैं काउ मिल्क, और फिर इसे प्रिंट करते हैं मिल्क, सिंपल। तो क्या आएगा, मिल्क प्रिंट हो जाएगा, राइट, जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे हम मिल्क प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं फंक्शन कॉल करते हैं, रन करते हैं, काउ मिल्क, मिल्क का वैल्यू क्या है, काउ मिल्क, तो काउ मिल्क प्रिंट हो जाता है,
दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे हम डेफ से कुक, और इसमें भी सेम वेरिएबल लेते हैं मिल्क, ठीक है। दोनों लोकल स्कोप है अलग अलग, दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शंस में हम सेम नेम यूज कर रहे हैं। मिल्क काउ मिल्क हो गया, तो ये गोट मिल्क कर देते हैं, गोट मिल्क, और प्रिंट मिल्क, राइट, ओके। और यहीं पे हम फूड फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं, और फिर हम प्रिंट मिल्क दोबारा से करते हैं, राइट। और बाहर फंक्शन से बाहर आ जाते हैं और एक मिल्क वेरिएबल ले लेते हैं, और इसको हम असाइन करते हैं अमूल, और फिर हम रन करते हैं कुक को, तो यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है मिल्क इज इक्वल टू काउ मिल्क, यहां पे हो रहा है मिल्क इज इक्वल टू गोट मिल्क, और यहां पर हो रहा है मिल्क इज इक्वल टू अमूल। तीनों वेरिएबल नेम सेम है, लेकिन तीनों के वैल्यू अलग अलग है, और ये लोकल वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये फंक्शन से बाहर है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर हम कुक को रन करते हैं तो क्या होगा, पहला लाइन मिल्क को असाइन हो जाएगा गोट मिल्क, क्योंकि कुक को हम रन कर रहे हैं, ये फूड से नहीं लेगा, तो ये हो जाएगा गोट मिल्क, ओके। फिर आ जाएगा प्रिंट मिल्क, तो गोट मिल्क प्रिंट हो जाएगा। फिर हम रन करते हैं फूड फंक्शन को, तो यहां से आ जाएगा मिल्क इक्वल टू काउ मिल्क, तो मिल्क प्रिंट करते हैं, काउ मिल्क प्रिंट होता है इसको रन करने के बाद। फिर हम मिल्क प्रिंट करते हैं, और फिर मिल्क प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, ये लोकल गोट मिल्क ये होना चाहिए। चलिए हम रन करते हैं, तो ये आ गया फर्स्ट लाइन, तो इसका खुद का है, प्रिंट करते गोट मिल्क प्रिंट हो गया। सेकेंड लाइन इसका है, तो इसका प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ काउ मिल्क, राइट, सेकेंड काउ मिल्क, और थर्ड प्रिंट मिल्क, अगेन ये इसी का लोकल स्कोप का कमांड है, तो ये वेरिएबल ये लेगा अपना लोकल, क्योंकि हमने कहा था कि पहले लोकल ही पहला फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, तो यहाँ पे गोट मिल्क, राइट। अब क्या करते हैं हम, अब बाहर से प्रिंट करते हैं मिल्क, ठीक है। अब जब बाहर से मिल्क प्रिंट कर रहे हैं, तो ये लोकल वेरिएबल्स तो बाहर आ ही नहीं सकते, ये हमने रूल नंबर वन में पढ़ा है, बाहर लोकल वेरिएबल बाहर नहीं आ सकते, बट यही वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल भी है मिल्क, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, अब प्रिंट होना चाहिए अमूल। इस तीनों लाइन के बाद अमूल, इसको रन करते हैं, और ये अमूल प्रिंट हो गया। फूड को कॉल करते हैं, फूड, राइट, तो अगर हम कुक को कमेंट कर देते हैं प्रिंट मिल्क, तो ये क्या करेगा, ये अमूल प्रिंट करेगा, क्योंकि ये ग्लोबल का, और फूड प्रिंट करेंगे तो यहां से काउ मिल्क, सो अमूल एंड काउ मिल्क हमारा रिजल्ट होना चाहिए, राइट। तो ये जो तीनों है, ये क्या बता रहा है, रूल नंबर थ्री, सेम नेम लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इज लीगल, तो सेम नेम हम यूज कर सकते हैं लोकल में भी और ग्लोबल में भी, बट इसको आप अवॉइड कीजिए, राइट। चलिए, तो ये हो गए हमारे स्कोप के चारों रूल। अब हम समझते हैं ग्लोबल स्टेटमेंट, ग्लोबल स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, तो आपको ग्लोबल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है टेस्ट, राइट,
और ग्लोबल एक वेरिएबल हम लेते हैं कैंडल इक्वल टू बिग, और बाहर हम कैंडल एक स्पेस बाहर कैंडल इक्वल टू स्मॉल वेरिएबल को साइन करते हैं और फिर टेस्ट को कॉल करते हैं और फिर हम प्रिंट कैंडल प्रिंट करते हैं। राइट, तो अब क्या हो रहा है कि हमने यहां पे एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है स्मॉल और इसको हम यूज करना चाहते हैं अगर टेस्ट के अंदर तो ये अलाउड है, बाहर से हम अंदर यूज कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें चेंज करना है ग्लोबल में क्या है, वैल्यू क्या है ग्लोबल वेरिएबल का स्मॉल, और हमें इसे चेंज करना है अपने फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में हमें चाहिए बिग। तो ये हम मॉडिफाई करना अगर है हमें तो हमें यूज करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्टेटमेंट ग्लोबल कैंडल। तो हम फंक्शन को बता रहे हैं कि ग्लोबल कैंडल जो है हम उसको यूज कर रहे हैं और हम उसे मॉडिफाई करने वाले हैं। तो इसको रन करते हैं और ये जो ग्लोबल में हमने असाइन कर रखा था कैंडल इक्वल टू स्मॉल अब मॉडिफाई हो चुका है, अब चेंज हो चुका है, इसलिए हम प्रिंट कर रहे तो स्मॉल नहीं आ रहा बिग आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन ने इसे चेंज कर दिया है। राइट, चलिए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से और फंक्शन क्रिएट करते हैं। हेलो, फंक्शन क्रिएट कर लिया कोलन और उसके बाद हम लिखते हैं एक वेरिएबल लेते हैं ग्रीटिंग, ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इज अ लोकल वेरिएबल क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, यही रहेगा। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हाय कोलन और इसमें ले लेते हैं ग्रीटिंग इक्वल टू गुड नाइट, ये भी लोकल वेरिएबल है। और एक तीसरा फंक्शन ले लेते हैं टेस्ट और इसमें हम प्रिंट करते हैं ग्रीटिंग। राइट, तो एक ग्लोबल फंक्शन लेना पड़ेगा हमें, ग्लोबल वेरिएबल ले लेते, ग्लोबल वेरिएबल ग्रीटिंग, ये नीचे भी लिख सकते हैं ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ही लिखना है। राइट, गुड इवनिंग हमने ये एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। राइट, अब हम फंक्शन से बाहर आते हैं और हेलो फंक्शन को कॉल करते हैं। हेलो फंक्शन क्या बता रहा है, ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। राइट, इसको ये हो गया, फिर उसके बाद हम करते हैं प्रिंट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग प्रिंट कर रहे हैं, इसे रन करते हैं तो ये आ रहा है गुड इवनिंग। अब हमने ये जब रन किया हेलो, हेलो फंक्शन रन किया तो हेलो फंक्शन में ग्रीटिंग क्या है, गुड मॉर्निंग, तो ये गुड मॉर्निंग आ गया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं ग्रीटिंग, तो ये ग्रीटिंग कहां से आ रहा है, ग्लोबल
वेरिएबल से गुड इवनिंग प्रिंट हो रहा है। तो ये आप ये सोच सकते हैं कि हेलो जब रन किया तो ग्रीटिंग ओवरराइट हो गया होगा, हेलो फंक्शन रन करते ही ग्रीटिंग जो वेरिएबल है ये ओवरराइट होके गुड मॉर्निंग हो गया होगा और गुड मॉर्निंग होके ये गुड मॉर्निंग प्रिंट आना चाहिए, लेकिन ये पाइथन में ऐसा नहीं होता है जब तक आप मेंशन नहीं करोगे कि आपको चेंज करना है। अब हम चेंज करते हैं यहाँ पे ग्लोबल ग्रीटिंग, अब रन करते हैं। अब ग्लोबल ग्रीटिंग लिखने का मतलब ये हुआ कि अब हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अब जो ग्लोबल वेरिएबल है गुड इवनिंग जिसका वैल्यू है अब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं गुड मॉर्निंग। अब रन करते हैं तो अब आंसर आता है गुड मॉर्निंग, अब ये मॉडिफाई हो चुका है। तो इस तरह से आप ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गए आपके सारे रूल भी कंप्लीट हो गए, ग्लोबल स्टेटमेंट भी हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें प्रेफरेंस किस ऑर्डर में होगा, इसको भी हटा देता हूं। लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन, अब ये क्या है, बस ये इसको हम LEGB भी बोलते हैं हम इसको, डेट इज लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट। ये होता क्या है कि जैसे कि वेरिएबल जो होते हैं ना, पहले सबसे पहले लोकल वेरिएबल को सर्च किया जाता है, अगर लोकल नहीं है तो एनक्लोजिंग वेरिएबल, एनक्लोजिंग के बारे में मैं अभी बताऊंगा, एनक्लोजिंग वेरिएबल को देखा जाता है, और एनक्लोजिंग भी अगर नहीं है तो ग्लोबल पे जाते हैं, और ग्लोबल भी नहीं है तो बिल्ट इन जो बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के खुद के उन पे जाया जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लोकल आप समझ चुके हैं, लोकल और ग्लोबल में मैंने बताया था, पहले लोकल को सर्च करेंगे, लोकल वेरिएबल अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ग्लोबल से उस वेरिएबल को हम यूज करेंगे। अब मैं बता दूं एनक्लोजिंग के बारे में, एनक्लोजिंग होता है नेस्टेड फंक्शंस में, जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं हम और इसको लिखते हैं ग्लोबल एक्स, और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं से आउटर, और यहाँ पे एक्स को वैल्यू असाइन करते हैं आउटर एक्स, और फिर इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं डेफ इनर, और इसमें हम एक्स को का वैल्यू असाइन कर देते सपोज इनर एक्स, राइट। तो अब इसको हम प्रिंट एक्स करते हैं और अब फंक्शन से बाहर आएंगे, फंक्शन से बाहर आ गए हम, इस पे ध्यान दीजिएगा दो बार बाहर नहीं जाना आपको, फंक्शन ये है, इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ ये इनर फंक्शन से हम बाहर आ गए और इनर फंक्शन से बाहर आके हमने इनर फंक्शन को कॉल करना है, इनर फंक्शन को कॉल करने के बाद अब फिर हमने अब आउटर फंक्शन से बाहर होना है, आउटर फंक्शन का इंडेंटेशन देखिएगा इसी लाइन पे हम आउटर फंक्शन से बाहर आ गए तो आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे और अब रन करते हैं। तो ये क्या आ रहा है इनर एक्स, इनर एक्स मींस सबसे पहले ये क्या हो रहा है कि
एनक्लोजिंग, सबसे पहले ये सबसे इंटीरियर जो है एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग फंक्शन जो है इस पे एक्स को सर्च कर रहा है, इस पे एक्स मिलते ही उसने प्रिंट कर दिया। सपोज इस पे एक्स हम डिफाइन करते नहीं, एक्स कोई वेरिएबल लेते नहीं है और इस पे सिर्फ बोलते प्रिंट एक्स, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं, अब क्या हो रहा है, इसने पहले अपने एनक्लोजिंग में देखा कि मेरे यहाँ एक्स वेरिएबल असाइन किया हुआ है या नहीं, इसने पाया कि नहीं है क्योंकि हमने कमेंट कर दिया तो इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो उसके अपर लेवल के जो फंक्शन है जिसका वो खुद पार्ट है उस पे देखेगा एक्स है या नहीं, उसने देखा हाँ है और उसकी वैल्यू क्या है आउटर एक्स, तो उसने आउटर एक्स प्रिंट कर दिया। सपोज यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी हमने नहीं लिया था एक्स, अब रन करते हैं तो अब आ गया ग्लोबल एक्स, डेट मीन्स ऑर्डर आप समझ गए हैं, सबसे पहले इनर आएगा, यहां नहीं मिलता है तो आउटर आएगा और यहां भी नहीं मिलता है तो वो चला जाएगा ग्लोबल पे और ग्लोबल से देखेगा, राइट। तो ये है, और अगर ग्लोबल में भी नहीं होगा तो क्या होगा, तो एरर आ जाएगा क्योंकि प्रिंट एक्स तो दे दिया, एक्स कहीं है नहीं, राइट। तो ये है एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग का मतलब हुआ कि एनक्लोजिंग नेस्टेड, नेस्टेड फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं उसके वेरिएबल्स को बोलते हैं एनक्लोजिंग। तो एनक्लोजिंग पे फर्स्ट राइट, पहले इनर को देखा, इनर ये हो गया लोकल, सॉरी पहले जब हमने इनर कॉल किया, हमने इनर फंक्शन कॉल किया तो इसने पहले लोकल देखा अपना, मेरे पास है या नहीं है, फिर इसने एनक्लोजिंग देखा, पहले लोकल देखा फिर एनक्लोजिंग देखा कि आउटर फंक्शन जो है उसमें है या नहीं, दैट इज एनक्लोजिंग, क्योंकि ये भी फंक्शन के ग्लोबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो लोकल बट दिस इज लोकल फॉर आउटर, आउटर फंक्शन का लोकल है, इनर फंक्शन का लोकल नहीं है, इनर फंक्शन के लिए ये एनक्लोजिंग है। तो एनक्लोजिंग पे देखा, यहां भी नहीं मिल रहा तो यहां देख लिया नहीं मिल रहा, फिर यहां देख लिया नहीं मिल रहा, फिर वो ग्लोबल पे चला गया और ग्लोबल पे मिल गया तो उसको यूज करके उसने प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये ऑर्डर है, इसको समझने की जरूरत है कि इस ऑर्डर पे फंक्शंस पे जो ये स्कोप है, स्कोप इस ऑर्डर पे काम करता है। बिल्ट इन की बात करते हैं, बिल्ट इन में जो बिल्ट इन फंक्शंस है उनको देखने का, अगर आप देखना चाहते हो कि बिल्ट इन फंक्शंस है क्या, पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है क्या, तो आपको करना होगा इम्पोर्ट बिल्टिन्स, ठीक है, बिल्टिन्स मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो फंक्शंस फंक्शंस या मेथड उसके जो है उनको चेक करने का कमांड है dir बिल्टिन्स, राइट। इसको डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट राइट, और इसको रन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के, इसमें कुछ तो एरर मेथड है, एरर मैसेजेस है, और आप ये इनमें से देख सकते हैं, जैसे कुछ कॉमन आपको दिख जाएगा, डिक्ट dir हमने अभी यूज कर लिया, मिन मैक्स ये हम अभी यूज कर लेते हैं, और टाइप हम यूज कर चुके हैं, str फॉर स्ट्रिंग, प्रिंट हम लगातार यूज करते हैं, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, राइट। तो लास्ट प्रेफरेंस है बिल्ट इन, अगर लोकल में भी नहीं मिला, एनक्लोजिंग में भी नहीं मिला, ग्लोबल में भी नहीं मिला, तो बिल्ट इन फंक्शन से सर्च करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज चलिए मैं मिन के बारे में बताता हूँ। तो मिन फंक्शन जो है वो क्या करता है, मिन फंक्शन, सपोज हम ये
सारे वैल्यूज ले लिए, मिन फंक्शन इस ट्यूपल के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू है उसको वो डिस्प्ले करेगा, राइट। तो हम इसको देख सकते हैं प्रिंट एम, राइट। तो मिनिमम वैल्यू को ये फंक्शन मिन फंक्शन स्टोर कर देगा इस वेरिएबल पे, और इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3, विच इज करेक्ट, 3 इज द मिनिमम। इसी तरह मैक्स है, मैक्स बिल्ट इन फंक्शन है, और मैक्स क्या करेगा, रन करते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 9 है और 9 डिस्प्ले कर रहा है, राइट। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं, सी फॉर एग्जांपल डेफ मिन और कुछ नहीं लेते, कोड अभी पास करते हैं, एम इक्वल टू मिन वैल्यूज ले लिए और अब हम प्रिंट करते हैं। अब ध्यान रखने की बात है कि यहां पे हम एक गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या है, वो मिस्टेक क्या है कि हम बिल्ट इन फंक्शन को अपना फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। अगर सपोज इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर मैं रन करता हूं तो ये फिनिश हो जाता है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फिनिश हो जाता है, कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा। इसलिए आपको खुद इस पे ध्यान रखना होगा कि जो बिल्ट इन, मैंने आपको डायरेक्टरी बताया है किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जब भी फंक्शन नेम करो आप ध्यान रखना कि बिल्ट इन फंक्शंस के नेम यूज ना हो जाए। तो ये अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो ये एरर आ जाएगा, ये एरर क्या है, मिन, और टाइप एरर है, मिन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 6 वेयर गिवन, तो 6 हमने आर्गुमेंट्स दे दिया जबकि मिन कोई आर्गुमेंट लेगा नहीं, राइट, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन है। अब अगर हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, सपोज माय मिन, और अब इसको रन करते हैं तो ये सही चलेगा, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है, दैट इज 0, राइट। तो दोस्तों ये था स्कोप के बारे में, स्कोप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और फिर भी अगर किसी को डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, अब मैं उसके जवाब दूंगा, और अगले क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।